कैट के एग्जाम्स हो गए हैं और अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, इंटरव्यू की वेट। इंटरव्यू की वेट सबसे डिफिकल्ट थिंग होती है, क्योंकि इंटरव्यू की अगर शॉर्टलिस्ट हो गई, अब क्रैक करना और वो डिफिकल्ट पार्ट है, बिकॉज नाउ इंडियाज टॉप स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर दोज फ्यू सीट्स। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता क्या पूछा जाता है, कि आपको एमबीए करना क्यों है। अब इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो भावुक हो जाते हैं, ऑनेस्ट बोल देते हैं, या उन्हें पता नहीं होता है कि क्या जवाब देना है। लेट्स डिस्कस टुडे। माय नेम इज अंकुर जैन, आई एम को फाउंडर ऑफ सनस्टोन। इन अ इंटरव्यू, आपके बारे में जब इंटरव्यू बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, एक सवाल जरूर पूछेगा, व्हाई डू वांट टू डू एन एमबीए। अब दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहला स्टूडेंट जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट आफ्टर अंडर ग्रेजुएट वो एमबीए के लिए बैठा और उसकी कॉल आ गई है, और दूसरा है जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन के बाद उसने 2-3-4 साल काम किया है और अब एमबीए के लिए वो जाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ना पहले ये जानना बहुत जरूरी है दैट व्हाई डू यू वांट टू डू एन एमबीए। अब दो तीन चीजें हो सकती हैं, कि क्या आप एमबीए लर्निंग के लिए करना चाह रहे हो, क्या आपको अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिली ग्रेजुएशन के बाद, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इसलिए आप एमबीए करना चाह रहे हो। आपको एक पता होना चाहिए, ये ना ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, ये आपको अपने आजू बाजू के आपके जो रिश्तेदार भाई बहन दोस्त हैं, कि यार आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और आपको खुद को क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, और दुनिया को क्या लगता है, उसका एक मिलन जब होगा ना, आपको पता लगेगा कि आज से 4 साल 5 साल 10 साल में वेयर डू यू सी योर सेल्फ, देन यू गेट एन आंसर। सिर्फ ये बोलना कि पता है मुझे ना एक अच्छी नौकरी करनी है और शादी करनी है, एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए, यही मेरा सपना है इसलिए मैं एमबीए करना चाहता हूं, इसके ना चांसेस बहुत मुश्किल है कि ये आंसर किसी भी इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर पाएगा, क्योंकि ये आंसर बहुत ही सुपरफिशियल है। ये आंसर से आपको खुद नहीं पता है कि क्या ये सही आंसर है कि नहीं है। सो यू हैव टू रियली फाइंड आउट, फिगर आउट वेदर यू वॉन्ट टू डू एन एमबीए फॉर लर्निंग, फॉर ग्रोथ, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हाउ डज बिजनेस वर्क। बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है, और मैंने जब एमबीए किया, मैंने देखा कि मेरे जो बैचमेट्स थे वो गवर्नमेंट जॉब से आए थे, मेरे जो बैचमेट थे वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे। अब उनको नहीं पता है, बट उन्होंने मेडिकल जब एमबीबीएस कर लिया, उन्होंने फिगर आउट किया कि यार नहीं, उनको ना डॉक्टर की पढ़ाई आगे नहीं करनी है, अब उनको बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना है, सो इसलिए उन्होंने एमबीए किया। तो आपका रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए, क्या आपने बीए किया है, बीएससी किया है, लेकिन आपको पता है कि यार मैं बीए बीएससी में मुझे करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं दिख रही है, दैट इज व्हाई यू वांट टू डू एन एमबीए। सो ये तो है जो लोग फ्रेशर्स हैं। अब इंटरेस्टेड ये होता है जो कि एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है। नाउ इट बिकम्स वेरी ट्रिकी, बिकॉज इन आईआईएम्स, इन टॉप कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स कम फॉर एन इंटरव्यू विद द प्रायर वर्क एक्सपीरियंस। इनफैक्ट 60-70% ऑफ द क्लास हैज मोर देन 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अब ट्रिक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपको उन लाखों बच्चों में से अपने आप को ये जस्टिफाई करना कि यार वो जो एक सीट है 300-400 का जो बैच है, उसमें से ये सीट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसके रीजंस भी बहुत हो सकते हैं, कि सर मैं तो ना एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था और मेरा ऑन साइट नहीं लगा, इसलिए मुझे एमबीए करना है। ये मन का सवाल है, लेकिन ये ना एक्चुअल आपको एमबीए की एडमिशन नहीं दिलाएगा, लेकिन हो सकता है। दूसरा, कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था लेकिन आई एम क्लियर नहीं हो रहा, मैं देता गया और जिस दिन क्लियर हो गया उस दिन मैं यहां आ गया। तीसरा ये हो सकता है, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा था, मेरे दोस्तों ने कहा यार चल एमबीए कर लेते हैं, और मैंने पेपर दिया और मैं इंटरव्यू का मुझे कॉल आ गया। ये सारे आंसर से शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगेन यू हैव टू रियली फिगर आउट व्हाई डू यू वांट टू डू एन एमबीए। द रीजंस कुड बी 1 लर्निंग, 2 ग्रोथ, 3 वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें समझ नहीं आता है, शायद बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू डिग डीपर इन टू योर सेल्फ, यार मुझे चेंज ऑफ इंडस्ट्री करना है। अब आप आईटी में जॉब कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कर रहे हैं, आप सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं, वेरी वेरी डिफिकल्ट दैट वाइल वर्किंग यू गेट अ सेकेंड जॉब ऑफर फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री। अगर आप मान लीजिए किसी एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या अब आपको एफएमसीजी कंपनी हायर कर लेगी, बहुत मुश्किल है। उसके लिए एमबीए गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी
One, to figure out, do you really want to go and work in a FMCG company? Second, if you have figured out, yes, FMCG company या telecom company में मुझे काम करना है और मैं 2 साल तक IT company में काम कर रहा था, तो वो आपको opportunity देती है क्योंकि यह placement आपको बहुत सारे different sectors का खोल पाता है. Second, कई बार ऐसा होता है कि आपको जब आप work experience कर रहे थे, आपको realize हो गया है that I am very good at managing tasks, I am very good at completing projects, but I am not very good in managing people. I am not very good in stakeholder management. देखिए, अगर करियर में आगे बढ़ना है ना, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी. क्या वो एज अ टीम मैनेजर बन के करनी पड़ेगी, या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बन के करनी पड़ेगी, या मे बी सेल्स में जॉब करते हुए आपको अननोन लोगों से बात करनी पड़ेगी. तो वो जो स्किल है, वो आपको MBA की रिग्रस 24 महीने की जो पढ़ाई होती है ना, जो केस स्टडी अप्रोच होती है, जो पीयर टू पीयर लर्निंग होती है, वो सिखाती है. और ये आपका एक रीजन हो सकता है कि मेरी कुछ स्किल्स हैं जो मुझे पता है बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे कुछ सीखना है. वो मुझे पता है कि मैं एक MBA के 24 महीने के कोर्स में सीख पाऊंगा. ये दूसरा रीजन हो सकता है. तीसरा रीजन, अगर आपको एक्चुअली में पता है कि मुझे पता है कि मेरे को अपना करियर फाइनेंशियल मार्केट्स में, कंसल्टिंग फर्म में और US में बनाना है, मैं पिछले 2-3 सालों से ट्राई कर रहा हूं, इंडिया से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं, और मैंने जब आपकी प्लेसमेंट रिपोर्ट देखी, मैंने जब एलमनाई का प्रोफाइल चेक किया, मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर IM से बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आती हैं, तो मैं वो ट्राई करना चाहता हूं क्योंकि मुझे बाहर जाना है, मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन में काम करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. और फोर्थ, एज आई सेड फॉर द फ्रेशर्स ऑल्सो, दैट रिमेन्स ट्रू फॉर यू ऑल्सो इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस, दैट मुझे अपना धंधा शुरू करना है. बहुत सही है, अगर धंधा शुरू करना है, आपको एवरी न्यूआंस ऑफ बिजनेस विल बी टॉट इन अ बी स्कूल, राइट फ्रॉम मार्केटिंग टू फाइनेंस टू सेल्स टू प्रोडक्शन टू टीम मैनेजमेंट टू हायरिंग, एवरीथिंग. नथिंग बेटर देन स्टडिंग इन MBA कॉलेज. एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको सिखाया जाता है, उससे इंपॉर्टेंट वहां पे ई सेल्स होते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं, उसके बारे में जानिए. सो बिफोर यू सिट इन फॉर एनी इंटरव्यू, मेरी सजेशन यही रहेगी, क्या आप अपनी जिंदगी के आधा घंटा लगा के कॉलेज की वेबसाइट, कॉलेज के फेसबुक, कॉलेज का लिंक्डइन प्रोफाइल, एलमनाई वीडियोस देख सकते हैं, जान सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, एंड मैरी इट विद योर ओन पैशन, विद योर ओन स्किल्स, एंड आर्टिकुलेट योर क्वेश्चन. हैविंग सेड दैट, अगर आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, और अगर आपको नहीं भी पता होगा, लेकिन इफ योर आंसर इज ऑनेस्ट, जेन्युइन, रियली मैटर्स फॉर यू, you will get a call, final selection call, for any of the top B schools. Thank you. All the very best.